अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज कि मैदान में यह मसला है कि सर्दियों में इसकी जो बैटरी है वो बहुत डाउन हो जाती है। तो अभी मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए अभी ये देखें ये सेल्फ नहीं आ रही। तो अभी हम देखने जाएंगे इसकी क्या मसला है, इसके बैटरी का कोई मसला है शायद। इसका फैन चल रहा है देखें, लेकिन सेल्फ नहीं दे रही। अभी इसको देखते हैं इसका क्या मसला है। अभी इसकी जो बैटरी है ये बिल्कुल डेड है, अभी मुझे एक मैकेनिक ने बताया यहाँ पे। हम अभी इसको रिप्लेस करने जाएंगे और आपको नए बैटरी के बारे में बताएंगे कि ड्राई बैटरी अच्छी है या फिर वेट बैटरी अच्छी है। तो वो हम मार्केट से पता भी करेंगे। और अभी फ़िलहाल तो मैं इसको खोल रहा हूँ, अभी लेके जाऊँगा बैटरी वाले के पास, तो आपको इंशाल्लाह अच्छे डिटेल दे देगा। तो अब इसके टर्मिनल जो निकाल लेते हैं इसको यहाँ से, इसके टर्मिनल निकालेंगे। और जैसे आपने देख लिया कि मैंने दोनों टर्मिनल इसके निकाल लिए, अभी हम इसको निकालेंगे। तो ये इसको निकाल के फिर हम मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, जो बैटरी वाले के पास। अगर ये रिचार्ज हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज कर लेते हैं। ये लगा हुआ हमारे पास 50L प्लस उसाका के, तकरीबन इसको 2.5 साल तो हो गए होंगे शायद। तो यहाँ पहुँच के पहले तो मैंने उनसे इजाज़त दिया कि मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बना लें। तो मैं वीडियो बनाने के बाद मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। अभी जो मैं वेबसाइट आपसे शेयर करूँगा, इस वेबसाइट में जो अपडेट है, मतलब जो प्राइस लिखे हुए हैं, वो बिल्कुल मार्केट प्राइस में, बिल्कुल मार्केट में वही प्राइस मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत निगोशिएबल है कि आप किसी से बार्गेनिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि जो पुरानी या जो आपकी बैटरी है उसको आप एक्सचेंज करके आप नया बैटरी ले सकते हो। मतलब जो पुरानी बैटरी की अगर आपकी कंडीशन अच्छी है तो उसकी प्राइस लग सकते हैं, मतलब 1000 से 1500 तक। इसको बताइएगा, इसके ऊपर 4500 लिखा हुआ है, एक्सचेंज के साथ कितना मिलेगा? क्या चीज़? इसके ऊपर 4500 लिखा हुआ है, लेकिन इसको अगर एक्सचेंज कर पुरानी बैटरी पड़ेगी 4500 रुपये की है, समझे 1000 आपको उसका माइनस। 1000 सब में 1000 माइनस है, पुरानी बैटरी के 1000 रुपये। अच्छा चलें ठीक है, ये आप देख लेंगे। भाई ने बताया कि जो कीमत है जो रिप्लेस करोगे तो 1000 कम हो जाएगी। मैं ये घर से लेके आया था, ये इसको एक्सचेंज करने के बाद इसको मुझे पड़ेगा ये 3800 रुपये का। ये इसकी असल कीमत है 4800 रुपये, लेकिन 100 रुपये इसमें से माइनस हो जाएंगे। ये हमारा छोटा है जो बता रहे हैं कि ये इसमें अगर बैटरी डाउन होती है तो ये लाल बैटरी इसके यहाँ पे लाइट जलती है, तो ये इसकी अच्छी खासियत। ये इसकी वारंटी कार्ड बता रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ कि 800 cc और 1000 cc 1300 cc जी गाड़ियन के लिए क्या क्या यूज़ होता है। तो मैंने तो फिलहाल 50 लिया, जो 800 cc से लेकर 1000 cc तक खड़ी गाड़ियों के लिए। ताकि इसकी वारंटी कार्ड है जो अंदर इसके लिखेंगे अभी जो भी ये लिए। तो जैसे कि आपको पता है, हम बैटरी लेके आ गए हैं, अभी बैटरी लगा के चेक करते हैं कि अभी गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं होती। तो ये नए बैटरी लेके आ गए, ये हम ये लगाएंगे डब्बे से निकालने के बाद। ये बिल्कुल ये रेड है, ये बेसिकली पॉजिटिव शो करता है, और ये ब्लू जो है ये नेगेटिव को शो करता है। इसके ऊपर लिखे भी होते हैं वैसे। हम इसको इसमें डाल देते हैं। इसमें डालने के बाद सबसे पहले आप पॉजिटिव की जो तार है वो इसको आप लगाते हो, लेकिन कोशिश करें कि ठीक है जी। अब ये हो गया, अब ये मैं इसको लगाने लगा। देखो बिल्कुल फिट आ गया। कोशिश ये करें, मैं बताना भूल गया, कि जो आपकी गाड़ी का जो बैटरी का जो पोर्शन है उसके हिसाब से अगर बैटरी लें तो गाड़ी का ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कुछ लोग कम लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं। क्योंकि बेसिकली 50 AH की जो बैटरीज होती है, 50 mAh की जो बैटरी होती है, बेसिकली 800 cc और 1000 की जो गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए होती है बेसिकली। ये जो आपको बताया मैंने कि अगर बैटरी डाउन हो तो यहाँ की लाइट जल जाती है, देखें ये लाल जो लाइट है, ये बेसिकली बैटरी डाउन हो तो यहाँ पर इंडिकेट करते कि आपकी बैटरी डाउन। अभी मैंने इसको लगा ली यहाँ पे, तो ये मैंने कवर इसको ऊपर इस वजह से लगाया ताकि पूरी बॉडी से टच हुए कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। तो ये हमने फिट कर दिया, अभी हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि होती या नहीं होती। तो अभी मैंने अभी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, लगा ना। देखिए अभी ये आवाज़ से लग रहा है, थोड़ी सी वाइब्रेशन पता नहीं क्यों करने लग गए, लेकिन गाड़ी आपके सामने देखें स्टार्ट हो गई। से पता चल रहा होगा आपको।
बिल्कुल बैटरी लगाने के बाद अपना काम कर रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से।